जापानीज लैंग्वेज को शुरू करते समय हमें अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होता है तो हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ का क्या आंसर होगा, और मुझे सर्च करने में जैसे गूगल वगैरह सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊं कि करियर स्टार्ट करने के बाद करियर को आगे डेवलप कैसे करना होता है, या फिर अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट है जैसे कि जापानीज लैंग्वेज करने से करियर बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, फिर और कोई फॉरेन लैंग्वेज मुझे करनी चाहिए, तो ये वीडियो में मैं इन टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वेलकम टू न्यू होंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि जापानीज लैंग्वेज को एक करियर के तौर पे, यानी कि हम एक जॉब अगर हम करना चाहते हैं, या फिर जॉब के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पार्ट टाइम हॉबी के तौर पे इसको करते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना या खास तौर पे जापानीज लैंग्वेज सीखना बहुत ही फायदेमंद रहा है करियर के लिए, या फिर जॉब्स या अपने पर्सनल बिजनेस वगैरह के लिए भी जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस वीडियो में जॉब की बात करते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता रखा है कि इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, वॉइस कोऑर्डिनेशन वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं, जिस पर जैसे स्टार्टिंग सैलरी की बात भी मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि अभी रिसेंटली ही 2024 की मैं आपको बात बताता हूँ कि स्टार्टिंग पैकेज ही 55,000 पर मंथ का इन हैंड स्टूडेंट्स ले रहे हैं, जिन्होंने N2 सिर्फ अपीयर ही किया है, N3 को क्लियर किया हुआ है, यानी कि N3 क्लियर है, N2 अपीयर किया हुआ है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री जाके, मतलब जापान जाके फिर इंडिया आके N2 क्लियर किया है, और उनको भी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो इसमें जॉब्स के साथ साथ आपको अपना करियर मॉडिफाई करने का भी टाइम मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब करनी पड़ेगी और फिर जॉब करने के बाद आप और कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अलग से बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करी है, जो कि जैसे दिल्ली NCR में ही उन्होंने जापनीज लोगों के साथ कोलेबोरेशन करके, जिसको जापनीज लैंग्वेज में ताक्षी तेहाई, होतेर तेहाई वगैरह बोलते हैं, जैसे कि फैसिलिएशन करना, मान लीजिए अगर कोई जापनीज बाहर से आ रहे हैं उनकी हेल्प करना और उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए फैसिलिएशन करना, यानी कि जो मैन पावर है वो प्रोवाइड कराना, रेंटेड प्लेसेस को प्रोवाइड कराना, क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराना, डेटा को प्रोवाइड कराना, चैनल पार्टनर्स प्रोवाइड कराना, ये सब काम उन्होंने शुरू करा है। और इसमें भी उनको खुद हायर करने की ज़रूरत है लोगों को, जिसमें वो लोग उनसे ट्रांसलेशन करवाएंगे, इंटरप्रिटेशन वगैरह करवाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लेवल के, काफ़ी हाई फाई लेवल तक के चांसेस होते हैं इस पे पहुंचने के। हालांकि अभी मैं आपको, जैसे आप अगर मान लीजिए यंग स्टूडेंट हैं, तो अभी मैं आपको इन सब चीज़ों में अभी से ही पढ़ जाइए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनमें काफ़ी रिस्क भी होता है बिजनेस करने में। तो पहले आप अपने जॉब से शुरू करिए, और जॉब के बाद आपकी जापानीज लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, आपके पास फाइनेंशियली भी आप थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, आपके पास नॉलेज भी इकट्ठी हो जाएगी, कॉन्टैक्ट्स भी इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने आप पता भी चल जाएगा कि मुझे अपना करियर और आगे कैसे बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं कि जापानीज लैंग्वेज ही क्यों, और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं। तो जी नहीं, इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही करिए, और भी लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं। हालांकि मेरा चैनल जापानीज लैंग्वेज का ही है, हम लोग जापानीज लैंग्वेज की ही ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार जापानीज लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। मैंने भी जापान में रह के और इंडिया में रह के काम भी करा है, पढ़ाई भी करी है, तो मुझे जो नॉलेज है वो सिर्फ जापानीज लैंग्वेज की ही है। तो हो सकता है मेरा ओपिनियन कभी कभी आपको बायस्ड लगे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आप कोई और लैंग्वेज करेंगे तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास खुलते चले जाएंगे। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि कोई लैंग्वेज आसान या मुश्किल ऐसा कुछ नहीं होता, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना उसमें आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके करियर तो हर कोई अपना, अपने हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से बना ही लेता है, ठीक है। तो ये बात रही जो मैं कहूँगा कि एक तरह से डिस्क्लेमर है, मतलब एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेटा को सर्च करें, गूगल वगैरह को सर्च करें, और मतलब AI वगैरह से भी आप पूछें, तो आपको ये मिलेगा कि जापनीज़ और फिर एक दो कुछ और लैंग्वेजेस भी होंगी जो कि हाईएस्ट पेड लैंग्वेजेस में आती है। जापनीज लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है, और मतलब ऐसा नहीं मैं कहता कि मुश्किल है, मैंने तो कई बार आपको सिखाया है अपने वीडियोस में भी कि जापनीज लैंग्वेज बल्कि आसान लैंग्वेज है, हम हिंदी के ग्रामर स्ट्रक्चर से बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, स्क्रिप्ट इसकी मुश्किल है, कांजी मुश्किल होता है। तो
ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर बहस हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है जापानीज लैंग्वेज मुश्किल है। तो देखिए, इस मुश्किल चीज़ को भी तो हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि मुश्किल है तभी तो हर कोई नहीं कर पाएगा और आप कर पाएंगे, और मतलब अगर आप कर पाएंगे तो आपकी ही वैल्यू होगी। ठीक है, मुश्किल होना बल्कि एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आपने आसान काम करा कोई और उसमें ही आपने अपनी वो बनाने की कोशिश करी आगे जाके अपना फ्यूचर और करियर, तो आसान काम तो आगे जाके लोग और भी करने लग जाएंगे, यानी कि उसमें भीड़ भरना काफ़ी प्रॉबेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी से ही थोड़ा सा मुश्किल काम करने की कोशिश करी तो आगे जाके आपके डाइल्यूट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बस ये मेरा पॉइंट था कहने का। ठीक है, चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि जापानीज लैंग्वेज करने के बाद हम अपने करियर को और ज़्यादा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कि अपने करियर को हम बहुत ज़्यादा एडवांस में कैसे लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपका एक क्वेश्चन है कि हम नॉर्मल जॉब से शुरू करके आगे जाके इसका फ्यूचर ऐसा कैसे हम बना सकें कि हम हाईली पेड भी हैं और हाईली मोटिवेटेड भी हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जापानीज लैंग्वेज में जॉब करने से शुरू करिए ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉलेज और कॉन्टैक्ट्स बन जाएं। ये तीन चीज़ें अगर आपकी बन गई तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जापान से इंडिया में आके इंडिया के लोगों को ही हायर करके अपना हेड बनाना चाहती हैं यहाँ की ब्रांचेज के लिए। ठीक है, तो वो खैर अभी मतलब एकदम से अभी आपने सीखना शुरू करा और आप इस लेवल तक पहुँच गए, इतना कोई जल्दी तो नहीं होगा ये, तो इसलिए वो सब ऑप्शंस भी आगे जाके आपके लिए खुल सकती हैं। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। बाकी अभी आप अपने जॉब से और अपने पैरेलल पढ़ाई से जापानीज लैंग्वेज को सीख के सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और इसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि अभी मैं हाल फिलहाल में ही मैं एक कंपनी से सुन रहा था कि स्पोर्ट्स वियर बेचना चाहते हैं वो जापान के इंडिया में, तो उन्होंने अपना साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, अब दिल्ली आना चाहते हैं वो, तो उसके लिए उनको मैन पावर भी चाहिए, उनको मैनेजर्स भी चाहिए, उनको स्किलफुल जापानीज लैंग्वेज के ज्ञाता भी चाहिए। लेकिन उसकी एक डेफिनेशन है कि उनको कम से कम 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हो, तो वो बहुत ही अच्छी सैलरी पर उनको हायर करना चाहते हैं, सीधा सीधा MD की पोस्ट पर। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, खाली मैं ही नहीं, आपको नेट पे आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये आपके लिए बनना चाहिए मोटिवेशन जापानीज लैंग्वेज को शुरू करके और सक्सेसफुली JLPT को क्लियर करने तक। ठीक है, देखिए शुरू करना बहुत आसान है, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल एंड तक, यानी कि JLPT के सक्सेसफुल जैसे N2N1 तक क्लियर करके जॉब लेके 2 साल 3 साल 4 साल काम करके यहाँ तक पहुँचने तक के लेवल के लिए काफ़ी कम लोग होते हैं, क्योंकि बीच में मोटिवेशन गिर जाती है। तो शुरू शुरू में इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मोटिवेशन इस चीज़ के मिले कि आपको अपने बड़े ड्रीम के लिए काम करना है। कभी भी आपको मुश्किल लगे या कोई दिक्कत आए, कभी तकलीफ होगा, हर बार हर किसी कोर्स में होता है, किसी भी पढ़ाई में हो सकता है, तो बस ये याद रखिए कि आप एक बड़े करियर के लिए आए जिसमें टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस भी आ जाएगी और काम करने का जज्बा भी आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मतलब मैं नॉलेज दे पाया हूँ, और आपको स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं ये सब बात सुन के, तो आप ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।